Hello friends, welcome to my channel. Today we will get to know some space words in Hindi. आज हम जानेंगे अंतरिक्ष से जुड़े हुए कुछ शब्द हिंदी में. Space words means अंतरिक्ष शब्द. In means में. Hindi means हिंदी. हिंदी में अंतरिक्ष शब्द. So let's start. आइए शुरू करते हैं. In English, we call it astronomy. And in Hindi, we call it khagol vigyan. English में इसे astronomy कहते हैं और हिंदी में इसे khagol vigyan कहते हैं. In English, we call it astrology. And in Hindi, we call it jyotish shastra. English में इसे astrology कहते हैं और हिंदी में इसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं. In English, we called astronomer. And in Hindi, we call it khagol vigyani. English में इसे astronomer कहते हैं और हिंदी में इसे खगोल विज्ञानी कहते हैं. In English, we call it Big Bang Theory. And in Hindi, we call it Big Bang Siddhant. इंग्लिश में इसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं और हिंदी में इसे बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं. इन इंग्लिश वी कॉल इट कॉस्मोस एंड इन हिंदी वी कॉल इट विश्व. इंग्लिश में इसे कॉस्मोस कहते हैं और हिंदी में इसे विश्व कहते हैं. इन इंग्लिश वी कॉल इट यूनिवर्स एंड इन हिंदी वी कॉल इट ब्रह्मांड. इंग्लिश में इसे यूनिवर्स कहते हैं और हिंदी में इसे ब्रह्मांड कहते हैं. इन इंग्लिश वी कॉल इट स्पेस एंड इन हिंदी वी कॉल इट अंतरिक्ष. इंग्लिश में इसे स्पेस कहते हैं और हिंदी में इसे अंतरिक्ष कहते हैं. इन इंग्लिश वी कॉल इट स्पेस ट्रैवल एंड इन हिंदी वी कॉल इट अंतरिक्ष यात्रा. इंग्लिश में इसे स्पेस ट्रैवल कहते हैं और हिंदी में इसे अंतरिक्ष यात्रा कहते हैं. इन इंग्लिश वी कॉल इट गैलेक्सी एंड इन हिंदी वी कॉल इट आकाश गंगा. इंग्लिश में इसे गैलेक्सी कहते हैं और हिंदी में इसे आकाश गंगा कहते हैं. In English, we call it nebula. And in Hindi, we call it niharika. English में इसे nebula कहते हैं और हिंदी में इसे niharika कहते हैं. In English, we call it solar storm. And in Hindi, we call it saur tufan. English में इसे solar storm कहते हैं और हिंदी में इसे सौर तूफान कहते हैं. इन इंग्लिश वी कॉल इट नॉर्दर्न स्टार एंड इन हिंदी वी कॉल इट ध्रुव तारा. इंग्लिश में इसे नॉर्दर्न स्टार कहते हैं और हिंदी में इसे ध्रुव तारा कहते हैं. इन इंग्लिश वी कॉल प्लैनेट्स एंड इन हिंदी वी कॉल ग्रह. इंग्लिश में इन्हें प्लैनेट्स कहते हैं और हिंदी में इन्हें ग्रह कहते हैं. इन इंग्लिश वी कॉल इट ड्वार्फ प्लैनेट एंड इन हिंदी वी कॉल इट बौना ग्रह. इंग्लिश में इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं और हिंदी में इसे बौना ग्रह कहते हैं. इन इंग्लिश वी कॉल इट क्रेटर एंड इन हिंदी वी कॉल इट ज्वालामुखी वीवर. इंग्लिश में इसे क्रेटर कहते हैं और हिंदी में इसे ज्वालामुखी विवर कहते हैं. इन इंग्लिश वी कॉल इट ऑर्बिट एंड इन हिंदी वी कॉल इट ग्रहपथ. इंग्लिश में इसे ऑर्बिट कहते हैं और हिंदी में इसे ग्रहपथ कहते हैं. इन इंग्लिश वी कॉल इट एक्सिस एंड इन हिंदी वी कॉल इट अक्ष. इंग्लिश में इसे एक्सिस कहते हैं और हिंदी में इसे अक्ष कहते हैं. इन इंग्लिश वी कॉल इट ग्रेविटी एंड इन हिंदी वी कॉल इट गुरुत्वाकर्षण.
इंग्लिश में इसे ग्रेविटी कहते हैं और हिंदी में इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट डार्क मैटर एंड इन हिंदी वी कॉल इट काला पदार्थ। इंग्लिश में इसे डार्क मैटर कहते हैं और हिंदी में इसे काला पदार्थ कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल देम स्टार्स एंड इन हिंदी वी कॉल देम सितारे। इंग्लिश में इन्हें स्टार्स कहते हैं और हिंदी में इन्हें सितारे कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट ऑरोरा एंड इन हिंदी वी कॉल इट ध्रुवीय ज्योति। इंग्लिश में इसे ऑरोरा कहते हैं और हिंदी में इसे ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट सन एंड इन हिंदी वी कॉल इट सूरज एंड सूर्य। इंग्लिश में इसे सन कहते हैं और हिंदी में इसे सूरज या फिर सूर्य कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट मून एंड इन हिंदी वी कॉल इट चांद एंड चंद्रमा। इंग्लिश में इसे मून कहते हैं और हिंदी में इसे चांद या फिर चंद्रमा कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट मर्करी एंड इन हिंदी वी कॉल इट बुध ग्रह। इंग्लिश में इसे मर्करी कहते हैं और हिंदी में इसे बुध ग्रह कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट वीनस एंड इन हिंदी वी कॉल इट शुक्र ग्रह। इंग्लिश में इसे वीनस कहते हैं और हिंदी में इसे शुक्र ग्रह कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट अर्थ एंड इन हिंदी वी कॉल इट पृथ्वी। इंग्लिश में इसे अर्थ कहते हैं और हिंदी में इसे पृथ्वी कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट मार्स एंड इन हिंदी वी कॉल इट मंगल ग्रह। इंग्लिश में इसे मार्स कहते हैं और हिंदी में इसे मंगल ग्रह कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट जुपिटर एंड इन हिंदी वी कॉल इट बृहस्पति ग्रह। इंग्लिश में इसे जुपिटर कहते हैं और हिंदी में इसे बृहस्पति ग्रह कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट सैटर्न एंड इन हिंदी वी कॉल इट शनि ग्रह। इंग्लिश में इसे सैटर्न कहते हैं और हिंदी में इसे शनि ग्रह कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट यूरेनस एंड इन हिंदी वी कॉल इट अरुण ग्रह। इंग्लिश में इसे यूरेनस कहते हैं और हिंदी में इसे अरुण ग्रह कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट नेपट्यून एंड इन हिंदी वी कॉल इट वरुण ग्रह। इंग्लिश में इसे नेपट्यून कहते हैं और हिंदी में इसे वरुण ग्रह कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट प्लूटो एंड इन हिंदी वी कॉल इट यम। इंग्लिश में इसे प्लूटो कहते हैं और हिंदी में इसे यम कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल देम एस्टेरॉइड्स एंड इन हिंदी वी कॉल देम क्षुद्र ग्रह। इंग्लिश में इसे एस्टेरॉइड्स कहते हैं और हिंदी में इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल देम मीटरॉइड्स एंड इन हिंदी वी कॉल देम उल्कापिंड। इंग्लिश में इसे मीटरॉइड्स कहते हैं और हिंदी में इसे उल्कापिंड कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट कॉमेट एंड इन हिंदी वी कॉल इट धूमकेतु एंड पुछल तारा। इंग्लिश में इसे कॉमेट कहते हैं और हिंदी में इसे धूमकेतु या फिर पुछल तारा कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट ब्लैक होल एंड इन हिंदी वी कॉल इट कृष्ण वीवर। इंग्लिश में इसे ब्लैक होल कहते हैं और हिंदी में इसे कृष्ण वीवर कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट वर्म होल एंड इन हिंदी वी कॉल इट वर्म होल। इंग्लिश में इसे वर्म होल कहते हैं और हिंदी में भी इसे वर्म होल कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल देम कॉन्स्टिलेशंस एंड इन हिंदी वी कॉल देम तारामंडल। इंग्लिश में इसे कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं और हिंदी में इसे
तारामंडल कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट सोलर एक्लिप्स एंड इन हिंदी वी कॉल इट सूर्य ग्रहण। इंग्लिश में इसे सोलर एक्लिप्स कहते हैं और हिंदी में इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट लूनर एक्लिप्स एंड इन हिंदी वी कॉल इट चंद्र ग्रहण। इंग्लिश में इसे लूनर एक्लिप्स कहते हैं और हिंदी में इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट सैटेलाइट एंड इन हिंदी वी कॉल इट उपग्रह। इंग्लिश में इसे सैटेलाइट कहते हैं और हिंदी में इसे उपग्रह कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड इन हिंदी वी कॉल इट कृत्रिम उपग्रह। इंग्लिश में इसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं और हिंदी में इसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट नेचुरल सैटेलाइट एंड इन हिंदी वी कॉल इट प्राकृतिक उपग्रह। इंग्लिश में इसे नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं और हिंदी में इसे प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट स्पेस स्टेशन एंड इन हिंदी वी कॉल इट अंतरिक्ष केंद्र। इंग्लिश में इसे स्पेस स्टेशन कहते हैं और हिंदी में इसे अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट हबल टेलीस्कोप एंड इन हिंदी वी कॉल इट हबल सूक्ष्मदर्शी। इंग्लिश में इसे हबल टेलीस्कोप कहते हैं और हिंदी में इसे हबल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट टेलीस्कोप एंड इन हिंदी वी कॉल इट दूरदर्शी यंत्र। इंग्लिश में इसे टेलीस्कोप कहते हैं और हिंदी में इसे दूरदर्शी यंत्र कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट स्पेसक्राफ्ट एंड इन हिंदी वी कॉल इट अंतरिक्ष यान। इंग्लिश में इसे स्पेसक्राफ्ट कहते हैं और हिंदी में इसे अंतरिक्ष यान कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट रॉकेट एंड इन हिंदी वी कॉल इट प्रक्षेपास्त्र। इंग्लिश में इसे रॉकेट कहते हैं और हिंदी में इसे प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट ऑब्जर्वेटरी एंड इन हिंदी वी कॉल इट वेधशाला। इंग्लिश में इसे ऑब्जर्वेटरी कहते हैं और हिंदी में इसे वेधशाला कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट मार्स रोवर एंड इन हिंदी वी कॉल इट मंगल घुमंतु। इंग्लिश में इसे मार्स रोवर कहते हैं और हिंदी में इसे मंगल घुमंतु कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट एस्ट्रोनॉट एंड इन हिंदी वी कॉल इट अंतरिक्ष यात्री। इंग्लिश में इसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं और हिंदी में इसे अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट UFO एंड इन हिंदी वी कॉल इट उड़नतश्तरी। इंग्लिश में इसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट UFO कहते हैं और हिंदी में इसे उड़नतश्तरी कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल देम एलियंस एंड इन हिंदी वी कॉल देम बाहरी लोग के प्राणी। इंग्लिश में इन्हें एलियंस कहते हैं और हिंदी में इन्हें बाहरी लोग के प्राणी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।